थाना सरपता हां व एसओजी जौनपुर पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामिया अंतर जनपदीय शातिर लुटेरा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार। राजकरण नैयर पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी शाहगंज के पर्यवेक्षण में बीती रात्रि में प्रभारी निरीक्षक सरपतहा श्री जय प्रकाश सिंह, मैं हमराही अधिकारी कर्मचारीगण व प्रभारी एसओजी निरीक्षक श्री पर्व कुमार सिंह व उप निरीक्षक श्री राम जन्म यादव, प्रभारी सर्विलांस सेल में टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर डहरी नहर पुलिया के पास दो टीमें बनाकर नहर पुलिया के दोनों तरफ आड़ लेकर गाड़ा बंदी किया गया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति सराय मोहिनुद्दीन की तरफ से पैदल आते हुए दिखाई दिया। जैसे ही वह व्यक्ति पुलिया के मध्य से आया कि उक्त टीम द्वारा आगे बढ़कर उस व्यक्ति को टोकते हुए रोका गया, तो उसने तत्काल अपने हाथ में लिए हुए तमंचे से जान से मारने की नियत से पुलिस वालों पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा फील्ड क्राफ्ट का प्रयोग करते हुए अपने को बचाते हुए तमंचा को पुनः लोड करने का अवसर दिए बिना ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा तथा दो जिंदा कारतूस नाजायज 315 बोर बरामद किया गया। अवैध तमंचा कारतूस लेकर चलने व प्राप्ति के स्रोत के विषय में पूछने पर बताया कि जब मैं जौनपुर जेल में बंद था उसी समय राजन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी भीरा बाजार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ व अरुण कुमार उर्फ पिंकू यादव पुत्र सत्यनारायण यादव निवासी ढकवा बाजार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ से दोस्ती हो गई थी। मैं जेल से छूटने वाला था उसके कुछ दिन पहले राजन यादव व अरुण कुमार यादव उर्फ पिंकू यादव तथा मैं एक साथ मिलकर यह योजना बनाए थे कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे काफी रुपया मिले और राजन यादव व अरुण कुमार यादव की भी जमानत हो जाए और असलोह की भी व्यवस्था हो जाए। तो इस पर राजन यादव व अरुण कुमार यादव ने बताया था कि खेतासराय क्षेत्र में यदि दो लोगों की हत्या कर दी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 लाख कुल 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तुम्हें तमंचा व कारतूस हम लोग उपलब्ध करा देंगे। अभियुक्त 20,000 का इनामी व अंतर जनपदीय शातिर लुटेरा है जिसकी गिरफ्तारी से जनपद व समीपवर्ती जनपदों के थाना क्षेत्रों में अपराधों पर अंकुश लगेगा। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा अपराधियों को धरपकड़ कर एक रात विशेष अभियान चलाया गया जिसमें सरपथा पुलिस और एसओजी टीम को जबरदस्त सफलता हासिल हुई है। पिछले 3 महीने पहले फरार अभियुक्त जो कि बैंक डकैती की योजना बनाते समय फरार हुआ था शैलेंद्र यादव, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये 20,000 का इनामिया है और अंतर जनपदीय लुटेरा है और शूटर भी है। कल जब पकड़ा गया फिर इससे पूछताछ हुई तो इसने बताया कि 3 माह पहले जो खुठन में पहले डकैती हुई थी पिछले साल 2019 में, उसके 3 अपराधी जेल में हैं जिसमें कि ये शैलेंद्र यादव और खेती यादव राजन यादव और पिंकू यादव, तीनों ने 3 माह पहले जेल में योजना बनाई एक मर्डर की जो कि रहने वाले खेतासराय क्षेत्र के हैं, उसमें इनको 5-5 लाख रुपये मिले थे मर्डर में। उसमें राजन यादव और पिंकू यादव जो कि अभी भी जेल में हैं, इनकी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी बेल के लिए, तो उसके लिए इन्होंने इसको अधिकृत किया। ये किसी के फिराक में था तभी सरपथा पुलिस द्वारा पकड़ लिया। ये 20,000 रुपये का इनामिया है और इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं और ये बहुत शातिर अपराधी है। इसको कहाँ गिरफ्तार किया और इसके पास से क्या मिला? इसके पास से एक तमंचा और इसने एक पुलिस पार्टी में फायर किया था, उसका एक खोखा, 2 कारतूस और जिंदा, ये इससे बरामदगी हुई है और ये थोड़ा सा पता थाना क्षेत्र में डेहरी नहर है वहाँ से गिरफ्तार किया। क्या इसका कोई गैंग चाहता है कि ये गैंग है इसका? भी आपको पिछले बार याद होगा पिछले 3 माह पहले दिसंबर में एक सरपथा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें ये 6 लोग बैंक की डकैती की योजना बना रहे थे जिसमें कि ये मौके से फरार हो गया था, तभी ये नामजद था उसमें और 20,000 रुपये का इनामी भी था जो कि कल रात पकड़ा गया। क्या जौनपुर में घटना का अंजाम देते थे या किसी अन्य जनपद? ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि अंतर जनपदीय गैंग का सदस्य है, ये आजमगढ़ से एक पेट्रोल पंप के लूट में अरौला थाना क्षेत्र से वांटेड है, अपने यहाँ भी वांटेड था सरपथा से और प्रतापगढ़ से भी वांटेड है जहाँ की इसमें डकैती की योजना बना रखी है। ये खुठन में जो पहले डकैती हुई थी पिछले साल 2019 में उसमें भी ये
वांटेड था, उसमें गिरफ्तारी हुई थी और अपने साथियों के साथ जेल में बंद था। आरोपियों को कितने मुकदमे दर्ज? ये लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है। 21 मुकदमे तो लिखा पड़ी में है और भी इसकी देखी जा रही है मुकदमे।